हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज की प्लानिंग है हमारी, आज हम जा रहे हैं एक मंदिर। अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो हमने बताया था आपको एक पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर, तो आज हम उस मंदिर जा रहे हैं, कंचना माता मंदिर। और अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और आई एम रेडी, और निखिल भी हमारा रेडी हो चुका है। और बाय द वे निखिल की गाय दिखा देता हूँ मैं आज। निखिल, नाम क्या रखा है तूने गाय का? मम्मी को बता। आंटी जी, राधु, नबू, राधु, ठीक है। चलो आपको मिलाते हैं राधु से और नबू से। देखो यहाँ से आपको दिख जाएगी थोड़ी सी, हो रही सामने आवाज दे रही है नबू, ये रही नबू। हेलो। और इस साइड है राधु। हेलो गाय जी, जय हो गाय माता की, मारेगी तूने, जय हो। दूर ही रहता वैसे कुछ है तो, इधर खिला देता हूँ घास। मुझे ये दिखाई दिया, अरे टूट जा मेरी जान, स्ट्रॉन्ग। तो फिर ये मिल गया मेरे को, किसको डालो? पहले राधु को खिलाता हूँ। ये लो, हेलो, वो खा गई। तूने खाना? तेरे लिए बुलाता। हाँ जी, ये लो खा लो। ओके बाय बाय। अच्छा सब्सक्राइब कर दो, बोल रही है बहुत प्यारे हैं बाय द वे इनोसेंट से। अब चलते हैं बाहर घूमने। ऑलराइट गाइस, तो रेडी है हम और निकलते हैं फिर। राइड हमारी शुरू हो चुकी है और कल इतनी जोर की बारिश थी और आज का मौसम इतना प्यारा है, मजा आ जा रहा है, धूप इतनी प्यारी निकले, जस्ट लाइक समर वाली फीलिंग आ रही है। यार रास्ते की हालत बहुत ज्यादा खराब है और सामने वो मंदिर है जिस मंदिर में हम कल गए थे, तेल ही बनवाना पड़ेगा। ये है पेट्रोल पंप और वो ऊपर की साइड है मंदिर जहाँ पर हम कल थे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कल का ब्लॉग आप जरूर देखना। और आज के ब्लॉग की थीम है हमारी खूबसूरती। वाओ, जल ही जीवन है। पीने के लिए पानी है ना? पी लूं? पी ले। ओ भाई अंदर गिर गया ना कहीं गलती से। यहाँ पर अभी हम एक गांव के अंदर आ चुके हैं और थोड़ा डिफरेंट सा देखने को मिल रहा है ये, इन पहाड़ों के बीच में ये लोग इस सुंदरता के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ अंकल बैठे हुए थे आराम से, एंजॉय कर रहे थे, ताश खेल रहे थे। निखिल बता रहे ये जो सामने पहाड़ी है, ये इतनी बड़ी वाली ऊपर चोटी पे जो मंदिर है हम वहाँ पे जा रहे हैं और पैदल जाना पड़ेगा, ये सारा चढ़ना पड़ेगा, तुम देख सकते हो। अरे बाप रे, वाओ यार कुदरत का करिश्मा, वाओ यार बहुत ब्यूटीफुल है। फोटो तो नहीं लेने यहाँ पे? नहीं लेते हैं ना, फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं साथ में तो और भी मजा आएगा, जैसे ना यहाँ घर में घूमने चलते हैं ना। अच्छा उसमें तो सोच फिर क्या ही मजा आएगा। वाओ, तो अभी हमने बाइक रोकी थोड़ी सी इस सुंदरता को देखने के लिए और बाय द वे तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। वो देखो वो सामने जो पहाड़ है ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा पहाड़ है ये, पहाड़ हमने चढ़ना है पूरा ऊपर तक। और निखिल क्या रास्ता बना हुआ है अच्छे? हाँ, से बहुत अच्छा है। वाओ, ऊपर है चोटी के ऊपर है मंदिर, जूम करके बता दे मंदिर बस। हाँ, आ गए वो रहा मंदिर ऊपर, तो इतने ऊपर हमने जाना है। तो यहाँ पर अभी फोटोज भी क्लिक कर लेते हैं और रील भी बना लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर है, आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी। और मेरी बैक साइड में आप देख सकते हो इतना सुंदर नजारा है, बादल, पहाड़, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ ना, आई होप कि आपको कुछ तो उतना फील आए, मैं कोशिश पूरी करूंगा। अभी हम चलते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बड़े सुंदर रास्ते है ना। माता जी के दरबार पर हम पहुंच चुके हैं, ये है रास्ता ऊपर जाने का। और भाई देवी आपको बता दूं, वो ऊपर आप देख रहे हो ना चोटी की, यहाँ पर जाना है हमने इतनी हाइट पर। थोड़ा लग तो रहा है कि टफ होने वाला है पर एनर्जी फुल है, जय माता दी करते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। मंकी, हाँ छोटे छोटे हैं, बहुत सारी पैड़ियाँ हैं ना ऊपर तक। चलते चलते हालत खराब हो जाएगी, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ठीक बोला जा रहा है। निखिल सेकंड टाइम आ रहा है ना? हाँ। और भाई भी थर्ड टाइम और भाई और मैं फर्स्ट टाइम। यहाँ पर रास्ता थोड़ा और टफ हो रहा है, बाय द वे ज्यादा टाइम के बाद ट्रैक कर रहा हूँ और हालत अभी से खराब होना शुरू हो चुकी है। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा चला मैं, प्यास लगी थोड़ा सा चलने के बाद, अभी तो बहुत है। चलो कैसा लग रहा है?
एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव सा फील हो रहा है। थोड़ा नेचर के साथ जुड़ने के बाद ना मन करता है लाइफ में और तरक्की करें, पॉजिटिविटी फैलाते रहें और अच्छा काम करते रहें। तो नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। मैं जुड़ गया। लाइफ को जीने का मजा सा आ जाता है, धरती पे ही स्वर्ग सा फील आएगा। बहुत लोग आए इधर, थोड़ा अलग सी जगह है तो फिर भी मतलब पॉपुलर होगी काफी। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो अगर कोई और आना चाहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, तुम आ सकते हो। थक गए भाई। लाइफ का एक ही रूल है, बस चलते रहो, कभी रुकना मत। जय माँ कंचना। अब ना घर जो है ना वो छोटे छोटे लगेंगे दिखने। हाँ, कभी छोटे छोटे लग रहे हैं हम घर। ये देखो गाइस, ये हम आसमान की ऊंचाइयों में। वाओ, यहाँ पर मैं एक और बात नोटिस कर रहा हूँ, घर में तो लाइफ इतनी ज्यादा इजी हो चुकी है, सब कुछ घर बैठे बैठे मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर चल रहा हूँ ना तो फील हो रहा है थक रहा हूँ मैं बहुत जल्द। अगर थोड़ी आदत होती ना बाहर निकलने की, तो जैसे मेरे फ्रेंड हैं ये काम करते रहते हैं तो इन्हें इजी लग रहा है, नॉर्मल। मुझे थोड़ा टफ फील हो रहा है। मछली है ये अंदर, बड़ा मगरमच्छ है यहाँ पर, पानी अंदर से आता होगा। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं बताऊँ। कुछ नहीं हुआ जी। आपको क्या हुआ? मेरे को बस मजा आ रहा है सोने का इधर। आपको कुछ भी नहीं हुआ? वाओ यार, देखो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना में आ चुका हूँ। चाइना में आते इस टाइम? चाइना में नहीं, इंडिया में। इतना सुंदर जगह है, बस प्रमोट नहीं की जाती है। और इंस्टाग्राम पर देखता हूँ मैं चाइना की ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशन बताई जाती हैं, पर ऑलरेडी इंडिया में है और इन्हें प्रमोट ही नहीं किया जाता। मैं सोच रहा था मैं चाइना जाऊँ घूमने, क्यों जाना भाई, इंडिया ही हमारा इतना खूबसूरत है। ये देखो नजारे तो देखो। यहाँ पे तो भाई मस्त लग रहा है, ये देख। और इस साइड ना ये टूटी हुई है रेलिंग, और यहाँ पर सच बोलूं तो मुझे डर लग रहा है। जितनी हाइट पे जाते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है वैसे। अब यहाँ पर फुल रेलिंग कर दी गई है। ओह माय गॉड, क्या सुंदर बनाया है ना भगवान ने दुनिया को। यही तो मैं बात कर रहा हूँ इस ब्लॉग में, द ब्यूटी ऑफ नेचर, सुंदरता भर भर के रखी हुई है। वाओ, लिसन, कुछ तो कह रही है हवा। मेडिटेशन तो भाई यहाँ पर फट से होगी, फट से फट। मुझे प्यास लग रही है अब, और पानी है नहीं इधर। मिल जाएगा यहाँ पे, है ऊपर, बस पहुँच गए हम। चलो अब तक तो अच्छी बात है। भाई यहाँ से तो घिरा ना कोई, चांस ही नहीं है बचने का। अनमोल टेस्टिंग करें। बोरा अवा देवी का मंदिर जहाँ पर कल हम थे, कल हम उस दूर वाले पहाड़ से यहाँ पर देख रहे थे इस लोकेशन को, और आज हम यहाँ से वो देख रहे हैं उस लोकेशन को। आज वो बर्फ वाले पहाड़ देखते हैं, कल बर्फ से यहाँ पर देखेंगे। जय हो माँ। तो मंदिर हम पहुंच चुके हैं, और बहुत ही प्यारी जगह पर है मंदिर। और भाई देवे अभी पंडित जी है नहीं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, पर दर्शन हम कर सकते हैं। जय माता दी, और आप भी दर्शन कर लो यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर हमने पहले देख लिया कि कैमरा लो है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं लगा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना ली। और अगर कहीं पर लिखा होता है कि यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पर नहीं बनाई जाती है। और बाकी आप ये देख लो, ये रहा मंदिर, और इतनी प्यारी लोकेशन पर है, चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ों के बीच में हमारा ये प्यारा माता जी का मंदिर। इतनी हाइट के ऊपर मंदिर भी है, देखने में लगते हैं शरीफ। हेलो ब्रदर, मत ले पंगा। अभी तो मैं हाइट दिखाता हूँ, यहाँ से मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, हाइट ऑफ फोबिया है मुझे, कहीं ये फोन ना गिर जाए मेरे से। ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है ये, कैमरा में हो सकता है कम लगे, और ये बहुत ज्यादा हाइट है।
तो फिर माता जी को प्रणाम करके चलते हैं हम यहाँ से, काफी ज्यादा रास्ता है अभी तक। चलो आ जाओ आप भी। भाई देखे मुझे तो बहुत मजा आ गया इधर। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने दोस्त को निखिल को। यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए रुक गए, अपने दो यार तो देखो नीचे पहुंच गए। रास्ता वैसे है बड़ा औसम, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाना पड़ रहा है। तो फाइनली अभी नीचे पहुंच चुके हैं हम और निकलते हैं अभी वापस घर की ओर। और उतरने में तो पता नहीं लगा, एंजॉय करते करते ऐसे उतर गए, पता नहीं लगा कब उतर गए नीचे। अभी प्यास लगी थी बहुत सारी, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने पानी पिला दिया हैंड पंप से। तुम लोग ब्लॉग में आ रहे हो मेरे। हेलो, क्या नाम है? क्या हुआ? चलो अभी बच्चा लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, पूछ रहे थे चैनल का नाम। भाई साइकिल बड़ी मस्त है तुम्हारी। ये किसकी साइकिल है? तुम सभी के पास अपने अपने साइकिल है। बढ़िया यार, ले जाओ, ले जाओ मैं। बाइक के बदले बाइक मांग लो ना इससे। मेरी बाइक इसके ले जाओ, इसके डल चढ़ाई निकल जाएगी। छोटी। मेरे को ये वाली साइकिल सबसे अच्छी लगी। ये किसकी है? लाइट चल रही है या नहीं? हाँ रात को लगेगा पता। बाय गाइस, बाय बाय। अभी हम पहुंच चुके हैं वापस घर और टाइम 5 बज चुके हैं। 5 बजे हम घर पहुंचे हैं और काफी मजा किया, काफी एंजॉय किया। अभी फोन की बैटरी बची है 5%, तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूं। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब कर देना। मैं तो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।